स्त्री का धन उसका पति होता है। पति के सहारे ही पत्नी सारी उम्र बच्चों को पालती पोसती है। लेकिन अंदाजा लगाइए, अगर पति बीच भंवर में छोड़कर स्वर्ग सिद्धार्थ जाए तो उसका इस बेरहम समाज में जीना कितना मुहाल हो जाता है। इसी का उदाहरण है ये महिला जिसके दो बच्चे हैं, और पति की मृत्यु के बाद पीड़ित महिला की ननद ने इसकी शादी ये कहकर करवा दी कि उसका और उसके बच्चों का आगे का जीवन अच्छे से कट जाएगा। लेकिन हो इसके उलट रहा है, ननद ने दूसरे पक्ष से मोटी रकम लेकर इसकी शादी करवा दी। अब ससुराल वाले उससे जबरन देह व्यापार करवाते हैं। पीड़ित ने थाने में भी शिकायत की, लेकिन इस अभागी की शिकायत किसी ने नहीं सुनी। आज वो मीडिया के सामने आई। और उसके बाद मैं ना फिर मेरी दूसरी जगह शादी करवाई इन लोगों ने, और शादी करवा के इन लोगों ने 2.5-3 लाख रुपए ले लिए, मुझे मारने की धमकी दी। कौन कौन लोग थे? मेरे ननद नंदोई। क्या नाम क्या उनके? महेश शर्मा और मीना कुमारी। अच्छा। मेरी ननद है और नंदोई है, उन्होंने मेरे साथ दूसरी जगह शादी करवा के गलत काम करवाए और मेरे बच्चों से मारपीट भी करते थे, मुझे मिलने भी नहीं देते। और मैं थाने भी गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। कौन से थाने की बात कर रहे हैं? हरमाड़ा थाना। वहाँ पर कौन था? स्नेहा लता। अच्छा। उन्होंने भी मुझे भगा दिया। दूसरी शादी आपकी करवाई? क्या बोल के करवाई आपकी दूसरी शादी? कि भाई बच्चों से है ना तेरा वो पालन पोषण हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और नहीं करेगी तो बोले तेरे बच्चों को और तेरे को जान से खत्म कर देंगे। अब उसके डर के मारे सर मैंने दूसरी जगह शादी कर ली, और फिर वहाँ भी मेरे साथ गलत काम करवाया। अब मुझे है ना मारपीट के भगा दिया रोड पे। पैसे टके उन्होंने लिए, मेरी ननद ने नंदोई लिए, मेरे ससुराल वालों से। अभी दूसरी शादी करवाई जहाँ से, पहले वाले ससुराल वालों से, दूसरे नहीं, वाले दूसरी ससुराल वालों वाले ने लिए। हाँ। अच्छा, आपके पहले पहले वाले पति का क्या हुआ? उनके वो अटैक आ गया था, वो खत्म हो गया। हाँ, वो। अच्छा, ठीक है मैडम। अब बताइए सर मुझे न्याय चाहिए। ठीक है मैडम। इसके अलावा आप और किससे मिले, पुलिस वालों के अलावा? मैं महिला थाने भी गई थी। वहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट हम यहाँ नहीं लिखेंगे। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, कि हरमाड़ा थाना जाओ। अच्छा। अब मैं इतने दिनों से भटक रही हूँ, ना ही तो मेरे पास पैसे हैं खाने के लिए, ना ही मेरे पास रहने के लिए, ना ही कपड़े पहनने के लिए। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी कहीं तो रेलवे स्टेशन पर जाती हूँ, कभी कहाँ पढ़ती हूँ। आपके साथ और कौन है? मेरा बच्चा है साथ में। कितना बड़ा बच्चा है वो? 14 साल का है।